भाजपा नेता बाबूलाल मेवरा पिछले कई दिनों से पीताम्बरा पीठ में मां बगुला मुखी की साधना कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें भाजपा ने विजयपुर से प्रत्याशी घोषित किया है। बाबूलाल मेवरा इसे माई का चमत्कार बता रहे हैं। पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा 15 अक्टूबर से दतिया के पीताम्बरा पीठ में मां की साधना में व्यस्त हैं। मेवरा का कहना है कि कोई भी तपस्या बेकार नहीं जाती। इधर भाजपा ने इन्हें विजयपुर विधानसभा से टिकट दे दिया है। उनको ये टिकट भाजपा ने लंबी तपस्या के बाद ही दिया है। मेवरा इस सीट से 20 साल पहले विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ता का विशेष ख्याल रखती है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बन रही है। माई की अद्भुत कृपा है, उनका चमत्कार है। मैं सोच भी नहीं रहा था 20 साल बाद मुझे टिकट दिया जाए। मुझे 1903 में टिकट मिला, उसके बाद कोई टिकट नहीं दिया। प्रदेश में भाजपा की सरकार में इसमें कोई दो मत नहीं, 140 के 47 के आसपास सीट आई। जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः बने, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ये जनता की भावना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।